क्यों सूरज ढलते ही हमारी जिंदगी रुक जाती है? क्या आप नहीं चाहते कि हम रात के अंधेरे में देख सके, पढ़ सके, दुगना काम कर सके? मिलिए साइकिल चलाती फुलवा से, जो तमकुआ गांव में रहती है, और लाछेपुर गांव के सूरज से। दो गांव, लेकिन दोनों की एक जैसी समस्याएं। आखिर ये लोग क्या करेंगे? बगैर बिजली के कुछ न बदलेगा इस गांव में। हमारे गांव की पंचायत को हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या के बारे में सोचना चाहिए। अब तो हम गांव वालों को मनाएंगे भी और गांव में बिजली लाकर आपको दिखाएंगे भी। हम अपनी बिजली खुद बनाएंगे। हमारे पास एक बिजनेस प्लान है। क्या लोग रात को भी बिजली में पढ़ लिख पाएंगे? चावल का भूसा जलाकर धुआं पैदा किया जाता है और इस धुएं से जनरेटर चलता है। राइस हस्क प्लांट का रखरखाव मैं करूंगी। इसी की मदद से हमारे घरों में बिजली आएगी। अरे पानी की गत्ती से ऊर्जा बनाना कोई जादू नहीं है। इसमें लगा है अल्टरनेटर, जिससे कि पानी की गत्ती से चलने वाले चक्के की ऊर्जा को बिजली में बदला जाता है। आखिरकार अपने गांव में जो भी मिला उससे फुलवा और सूरज ने तो अंधेरे का हल निकाल ही लिया। ऐसे संसाधन जो कि कभी खत्म ही नहीं होंगे, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि सूर्य के ताप से बनने वाली सौर ऊर्जा, पानी की गति से मिलने वाली ज्वारीय और समुद्री तरंग ऊर्जा, धरती से उत्पन्न होने वाली भूतापी ऊर्जा और जैविक कचरे से बनी बायोमास ऊर्जा। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके घर में आने वाली बिजली के संसाधन नवीकरणीय हैं या गैर नवीकरणीय हैं, यानी रिन्यूएबल हैं या नॉन रिन्यूएबल हैं?